पीएम मोदी ने विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का किया उद्घाटन, बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने बताया न्यायिक सुधार के उपाय, कहा न्यायिक ढांचे को अपग्रेड करने का हो रहा है काम। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। न्याय प्रणाली के आधुनिक होने का भी पीएम ने दिया हवाला, कहा अब कई वर्चुअल अदालतें दे रही हैं न्याय। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो चुकी है। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर की सौगात, प्रोजेक्ट का वर्चुअली किया उद्घाटन। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक, बैठक के लिए पटना पहुंची जेपी नड्डा। दानापुर से पटना तक जगह जगह नड्डा के दौरे को लेकर जोश, कहीं बैंड बजे तो कहीं पर घोड़ों पर निकले कार्यकर्ता। गृहमंत्री अमित शाह एनसीबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा, ड्रग फ्री मिशन को दिया बढ़ावा। चंडीगढ़ में आज अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र की राज्यपाल कोश्यारी का बयान, महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी निकाल दिए जाएं तो यहां नहीं बचेगा पैसा। महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, पुणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। कोश्यारी के बयान पर शिवसेना ने किया एतराज, कहा ये मराठी गौरव का अपमान। म्हणजे आमचे गुजराती बांधव, राजस्थानी बांधव इथे नसतील तर मराठी माणूस इथे भिकारी आहे का? श्रम करणाऱ्या मराठी माणसाविषयी तुम्हाला इतका द्वेष आणि तिरस्कार आहे का? काँग्रेसने भी कोश्यारी के बयान पर जताया एतराज, कहा उनकी दलील ठीक नहीं। अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर ने माना कई कारों की मालिक है अर्पिता, कुछ महीनों से गायब है कुछ कारें। ड्राइवर ने मीडिया के सामने किया खुलासा, कहा अर्पिता के घर आते थे पार्थ चटर्जी। ईडी ने अर्पिता की फर्जी कंपनियों के 8 खाते किए फ्रीज, पार्थ के खातों की भी हो रही है जांच। जर्जर मकान में रहती है अर्पिता मुखर्जी की मां, घर में जरूरी सुविधाएं भी नहीं। उत्तर 24 परगना के बेलघोरिया इलाके में है अर्पिता का पुश्तैनी मकान, इस घर में अकेली रहती है उनकी मां। ईडी तैयार कर रही है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों का ब्यौरा, अचल संपत्तियों पर होगी छापेमार। ईडी ने शुरू की अर्पिता से जुड़ी हुई 3 कंपनियों की जांच, पार्थ के संपर्क में आने के बाद अर्पिता को बनाया गया था निदेशक। अब पार्थ से पूरी तरह पीछा छुड़ाने में जुटी है टीएमसी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले पार्थ के लिए अब खेल खत्म। बाबा केदारनाथ के मंदिर परिसर में पूरा हुआ प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण, दरवाजे पर लगाया गया विशाल घंटा। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्विमिंग में इतिहास रचने की ओर भारत, आज गोल्ड दिला सकते हैं श्रीहरि, 100 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकस्सी जारी, बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35% के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला, निर्दलियों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्रिपद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम एकनाथ शिंदे, आज और कल नासिक, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान, कहा काले झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत को हूं तैयार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा, चुनाव आज हो या कल एनसीपी तैयार।
पटना आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए ने तेज की कार्रवाई, संदिग्ध आतंकी सनाउल्लाह के घर पर चस्पा किया नोटिस। 4 अगस्त को एनआईए के सामने सनाउल्लाह को होना है पेश, आतंकी गतिविधियों को लेकर एनआईए करेगी पूछताछ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दिल्ली पुलिस ने दिया झटका, कार्यक्रम करने के लिए नहीं दी इजाजत। आज दिल्ली के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम करने की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने की थी तैयारी, विश्व हिंदू परिषद ने किया था एतराज। सेव द रिपब्लिक नाम से पीएफआई करने वाला था आयोजन, दक्षिण कन्नड़ में प्रवीण नेतारू की हत्या में पीएफआई पर लगे हाथ। कश्मीर के बारामूला में सेना की बड़ी कार्रवाई, एक आतंकी को मार गिराया। पट्टन के वानीगाम बाला इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकियों को घेरा था। रिहायशी इलाके में छिपे थे आतंकी, कैमरे पर कैद, गोलीबारी की आवाज। कुपवाड़ा में 2 आतंकी गिरफ्तार, लश्कर से जुड़े हुए हैं दोनों हाइब्रिड आतंकी। शहीद अद्वितीय बल का पार्थिव शरीर गांव लाया गया, MiG-21 हादसे में हुई थी मौत। रांची एयरपोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी, 20 लाख रुपए की मांग की गई। आतंकी यासीन मलिक को फिर भेजा गया तिहाड़ जेल, स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में मंत्री आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन धक्का देते हुए आए नजर। दिल्ली में 6 महीने टला नई शराब नीति पर अमल, अब पुराने तरीके से ही होगी वाइन की बिक्री। लखनऊ के क्राउन मॉल में पार्किंग को लेकर कुछ दबंगों को कर्मचारियों से हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो आया सामने। हिसार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों की चोरी करने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुणे में हफ्ता वसूली के नाम पर पैसे लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, वारदात सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्य के गृहमंत्री के आवास के बाहर की नारेबाजी। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए और हथियार भी किए बरामद। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार ने उठाया अहम कदम, प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 20,408 नए मामले, कल के मुकाबले नए केसेस में आए कमी। कर्नाटक में 24 घंटे में आए कोरोना के 2,130 नए केस। 24 घंटे में देश में 20,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात, रिकवरी रेट 98.48%। 24 घंटों में 33 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका, टीकाकरण का आंकड़ा 203 करोड़ के पार। संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग पर जोर, 24 घंटे में हुई 4 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, रिमझिम बरसात के चलते उमस से मिली राहत। गुरुग्राम के अरावली इलाके में बारिश के चलते जलभराव, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ बेहाल। बेंगलोर में जोरदार बारिश, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में घोषित की छुट्टी। बेंगलोर में कई हिस्सों में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब, कारें भी पानी में डूबी। उत्तरकाशी में जोरदार बरसात जारी, बरसाती नालों के ओवरफ्लो होने से महगांव इंटर कॉलेज में फंसे कई बच्चे। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन का दौर जारी, मलबे में गिरने से कई सड़कों पर यातायात हुआ प्रभावित। रुद्रप्रयाग के चोपता को जोड़ने वाला भीरी चोपता मोटर मार्ग भी बंद, लोगों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। सोलन में सैलाब का सितम जारी, बालद नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली साथ बही। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटता देखकर 3 युवक कूदे, तैर कर किसी तरह बचाई जा। बागेश्वर की बरसाती नाली में बही एक कार, देर रात घर जाते वक्त हुआ हादसा। कार में 2 लोग थे सवार, पुलिस और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई दोनों की जान। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क हुई बंद।
मध्य पश्चिम पूर्व और दक्षिण भारत में अगले 4 से 5 दिनों में बारिश का अनुमान। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी आशंका। अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम विभाग ने भारी बारिश की जताई आशंका। हिमाचल के सोलन में नदी में घिरे हुए 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नालागढ़ में सेल्फी लेने के चक्कर में मुश्किल में पड़ी जान। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने नदी के बीच में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। अचानक नदी का बढ़ा था जलस्तर। कई घंटे तक उफनती नदी में पत्थर पर खड़े रहे युवक के एक चट्टान पर रहकर बचाई जान। कई घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे सभी 5 लोगों को निकाला गया। लोगों ने बताया कि कम पानी देखकर सेल्फी लेने गए थे 5 लड़के। प्रशासन लगातार नदी नालों से दूर रहने की कर रहा है अपील। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बारिश के चलते उफान पर नदियां। कलई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। सेना के जवानों ने पुंछ में 5 लोगों का रेस्क्यू किया। बाढ़ में कल से फंसे थे 30 लोग। पुंछ में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है रेस्क्यू। पुंछ में मेढर के छतरल गांव में जेसीबी की मदद से स्कूली छात्रों को पार कराई जा रही है नदी। सेना और एसडीआरएफ की टीम इलाके के लोगों को भी उफनती नदियों को करा रही है पार। वीडियो हुआ वायरल। जुलाई के महीने में रूस ने यूक्रेन पर दागे 49 क्रूज मिसाइलें और 44 हवाई हमले। रूसी सेना ने माइकोलाइव और बश्टंका में जमकर दागे मिसाइल। रूसी हमले में कई इमारतें हुई तबाह। रूसी सेना ने माइकोलाइव पर किए 3 हवाई हमले। बश्टंका पर दागे 6 मिसाइलें। बश्टंका पर हुए 6 हवाई हमलों में से 3 हमलों को नाकाम करने में यूक्रेन की फौज हुई कामयाब। अपने खोए इलाकों को फिर से हासिल करना चाहता है यूक्रेन। युद्ध की छापेमार नीति अपना रहा है यूक्रेन। खार्किव के नोवो बावर्स्की में रूसी सेना ने जमकर बरसाए तोप के गोले। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन रूस जंग पर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की नजर। निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की हत्या को गंभीर तरीके से ले रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट। एक आंकड़ा जारी करते हुए यूनाइटेड नेशन ने बताया रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों को आग में जिंदा जलाकर मारने का कर रही है काम। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 10,000 यूक्रेनी नागरिकों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के चीफ मटिल्डा बोगनेर का बयान। रूसी हमले से यूक्रेन में अब तक 1,812 पुरुष, 1,225 महिलाएं, 134 लड़कियां और 155 लड़कों की गई जान। मुंबई के महबूब स्टूडियो में नजर आई बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर। फैंस ने खींची तस्वीरें। बॉलीवुड स्टार सारा अली खान ने दिल्ली में हजरतगंज निजामुद्दीन आलिया की दरगाह पर हाजिरी लगाई। दरगाह पर हो रही कव्वाली का आनंद लेते नजर आई सारा। संजय दत्त ने खास अंदाज में मनाया अपना 63वां जन्मदिन। घर के बाहर खड़े फैंस का फोन लेकर उनके साथ खुद खींची सेल्फी। बिग बॉस 16 ऑन एयर होने से पहले ही सुर्खियों में आया बिग बॉस हाउस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। मुंबई लोकल ट्रेन में एक साथ सफर करते नजर आए विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे। अपनी फिल्म लाइगर का अनोखे अंदाज में किया प्रमोशन।